गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम उनका जो मेरे चैनल पर न्यू है, मुझे पहली बार देख रहे हैं, एंड वेलकम बैक उनका जो मुझसे मेरे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एंड आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ एक आई शेडो का रिव्यू। और ये आई शेडो मैंने आपको नायका हॉल में दिखाया था और बोला था कि जल्दी मैं इसका रिव्यू आप लोग साथ शेयर करूंगी। सो हियर आई एम। एंड अगर आपने मेरा अभी तक नायका हॉल नहीं देखा है, सो गाइस प्लीज गो एंड चेक आउट, आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो मेरे लिए सुपर एक्साइटिंग था। मेरा फर्स्ट नायका हॉल था। यस आई परचेज्ड ओनली 5 प्रोडक्ट्स, बट मेरे लिए इतना ही बहुत है। सो ओके विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको आई शेडो दिखाती हूँ। सो गाइस दिस इज द आई शेडो पैलेट। तो ये है नायका डे ड्रीमिंग आई शेडो पैलेट, एंड मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाऊंगी। सो गाइस दीज आर द शेड्स। ओके टोटल पैकेजिंग मैं आपको पास से दिखाती हूँ। गाइस ये है नायका डे ड्रीमिंग आई शेडो पैलेट। आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है। इधर साइड आईज ऑन मी 10-in-1 आई शेडो पैलेट दिया हहुआ है, और इसके पीछे इसकी डिटेलिंग है कि इस आई शेडो पैलेट के बारे में लिखा हुआ है काफी कुछ, दैट इंटेंस कलर पे ऑफ, वाटर प्रूफ, ईजी टू ब्लेंड, एंड इसकी क्वांटिटी है 12 ग्राम्स। साथ में इसका प्राइस है 599, और इसकी MFD और यूज बिफोर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये थी आउटर पैकेजिंग, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द इनर पैकेजिंग। सो ये है आई शेडो पैलेट और इसके शेड्स। तो टोटली इसकी ये जो पैलेट है ये भी काफ़ी अच्छी है, और इसका लिड भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टाइट है। बट इसका ब्रश जस्ट ओके उतना काम का नहीं है। और तो आप देख सकते हो इसके शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, फॉर बिगिनर्स मैं कहूँगी बहुत अच्छे हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 मैट शेड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिमर शेड्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये थी इसकी पैकेजिंग, एंड इसका लिड बहुत अच्छे से इसका टक किया हुआ जाती है। टोटल पैकेजिंग तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो मैं आपको ये सारे शेड्स स्वैच करके दिखाने वाली हूँ। सो फर्स्ट मैं मैट शेड्स को स्वैच कर रही हूँ, और 3 एंड 4 ये 4 शेड्स हैं मैट। और सो गाइस कैन यू सी एक ही बार में अच्छे से अप्लाई हो गए हैं, और काफी सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, बहुत सॉफ्ट है, और पिगमेंटेशन भी ठीक अच्छी है। एंड सेकेंड इसके शिमरी शेड्स हैं, सो 1, 2, 3, 4 सो ये हैं 4 शिमरी शेड्स। कैन यू सी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, और अगेन काफी सॉफ्ट हैं। एंड लास्ट 2 शिमरी शेड्स, 1 एंड 2 एंड दीज आर नेक्स्ट 2 शेड्स। सो ये हैं इसके ये 2 शेड्स, आप देख सकते हो। सो टोटल 6 शिमर शेड्स हैं, जो कि काफी ज्यादा पिगमेंटेड हैं, एंड ऑल्सो मैट शेड्स भी काफी पिगमेंटेड हैं। तो टोटली अगर इस पैलेट की पिगमेंटेशन की मैं बात करूं, तो काफी ज्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे शेड्स अच्छे से ब्लेंड होते हैं या नहीं। मैं इनके कुछ शेड्स अपने आईलिड पर अप्लाई करने वाली हूँ, जिससे आप देख सकते हो कि ये अच्छे से ब्लेंड होते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आई शेडो अप्लाई करने से पहले आईलेट को प्रेप करना इम्पोर्टेंट होता है। आपके पास कंसीलर हो तो आप कंसीलर अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट कॉम्पैक्ट से अपने आईज को अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि आप जो भी आई शेडो अप्लाई करें वो अच्छे से पॉपअप हो, उसका शेड्स खिलकर आए। सो मैं सबसे पहले अपनी आईलिड को प्रेप कर रही हूँ कॉम्पैक्ट से। अभी मैं कंसीलर नहीं यूज करने वाली हूँ। और ओके ये अगर आप आई मेकअप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कंसीलर यूज करते हैं तो। आईज आर डन। सबसे पहले मैं ये शेड अप्लाई करने वाली हूं फॉर क्रीजिंग।
तो देखा आपने, अच्छे से आईलिड को प्रेप करने से हल्का सा भी अगर आप आई शेडो अपने आईज पर लगाते हैं तो इतने अच्छे से शेड आ जाता है। बहुत ही ज्यादा लाइट आई शेडो यूज करने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस पिंक शेड, दिस मैट पिंक शेड फॉर दिस कॉर्नर। आप ब्रश में आई शेडो लेने के बाद उसको हल्का सा टक टक कर दें ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाए, अदरवाइज वो एक ही प्लेस पर रह जाता है सो वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, आप देख सकते हो शेड काफी अच्छे से खिल के आ रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज नेक्स्ट शेड एंड दैट इज दिस गोल्डन शेड। और मैं इसको यहां अप्लाई करने वाली हूं। कैन यू सी ये गोल्डन शेड अच्छे से सेट हो रहा है इस पर। दूसरे ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि दोनों शेड अलग अलग ना दिखें। आप देख सकते हो इस आई में और इस आई में फर्क। और ओके, तो अब मैं इस आई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए मैंने इस साइड भी अपनी आई कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हो दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम लग रही हैं। इसके बाद आप आईलाइनर लगाइए, मस्कारा लगाइए, काजल लगाइए अकॉर्डिंग टू योर विश। आप अपने आई मेकअप को और इन्हांस करने के लिए आप ये सब कर सकते हो। तो अगर मैं आई शेडो पैलेट की बात करूं तो मुझे ये आई शेडो पैलेट काफी अच्छी लगी है और इसके शेड्स, इसकी पिगमेंटेशन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये आई शेडो पैलेट काफी अच्छा है। आप इस पैलेट के साथ अपने आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो टोटली मुझे काफी अच्छा लगा और मैं इसके साथ और कई लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।